भोपाल में गणतंत्र दिवस से पहले लाल परेड ग्राउंड पर परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल शामिल हुए। पुलिस के जवानों ने परेड के साथ सलामी दी। परेड में 15 प्लाटून भी शामिल हुए। इसमें विशेष सशस्त्र बल पुलिस, महिला प्लाटून, एसटीएफ, हॉक फोर्स और डॉग स्क्वाड जीआरपी छत्तीसगढ़ प्लाटून शामिल रहे। परेड के बाद जवानों ने हर्ष फायरिंग की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। निकल रहे हैं, आप तस्वीर देखेंगे। इसमें करीब जो 15 जो है वो प्लाटून यहाँ पे शामिल है। इसमें एसटीएफ शामिल है, हॉक फोर्स शामिल है, सशस्त्र विशेष बल शामिल है और इसके अलावा डॉग स्क्वाड भी शामिल है। एनसीसी कैडेट भी है जो यहाँ पे इस परेड में हिस्सा ले रहा है। आप तस्वीरों में जो यहाँ से परेड है वो चल रही है और प्लाटून जो कमांडर है वो जो है वो कैंडिडेट्स को कह रहे हैं कि वो सामने देखें। और इसके तहत जो है ये 26 जनवरी को जो है ये परेड हिस्सा लेगी। इससे पहले फाइनल ड्रेस रिहर्सल जो है वो आज की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो जवान है वो परेड की ओर से निकल रहे हैं और मुख्य अतिथि जो है वो सलामी ले रहे हैं। तो इसी तरीके से 26 जनवरी को भी ये परेड आएगी। इस बार जो कोरोना को देखते हुए नियम बनाए गए हैं, सभी को मास्क दिया गया है, ग्लव्स पहन के ही जो है परेड में शामिल होंगे और जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनको भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का जो है वो पालन करना पड़ेगा। 26 जनवरी को जो है वो अब की तैयारियों से पहले जो है परेड की जा रही है।